हे यो, व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं लेकर आई हूँ एक और गेम प्ले वीडियो, जिसमें जिंगा पोकर गेम्स और इसकी टेक्सिंग होल्डम जो ये है जिंगा पोकर, मुझे बहुत पसंद है। मैं ये बहुत 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 अरसे से खेल रही हूँ। पहले भी मैंने इसका एक गेम प्ले वीडियो बनाया था, तो आज के लिए जो है मैंने इसको तरीके से खेला है। सिर्फ ऑल इन पर ध्यान नहीं दिया, कुछ हैंड्स जीतने की कोशिश की है। यहाँ पर हमें कुछ सेल्स के बारे में बता रहे हैं, वो हमने किया कट। ये सब कट करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे, हमारे पास स्पिन था, तो स्पिन को हम कर लेते हैं क्लेम। और स्पिन में हमें थोड़ी सी चिप्स मिल गई हैं, जल्दी से बैक पे जाते हैं। मेरे पास 1 बिलियन प्लस चिप्स हैं, आई थिंक 1.4 बिलियन है, तो जल्दी से 1 बिलियन वाली टेबल को मैंने कर लिया सिलेक्ट। पहुंच गए हम टेबल पर, और यहाँ पर पोकर गेम्स में हम एंटर हो गए हैं। तो टेबल पे हमारे पास मैक्सिमम 5 लोगों की गेम होती है, और इसमें मैं जो है वो इधर सेंटर में बैठी हुई हूँ। 7 और 10 आया है मेरे पास, और काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि हैंड आपका होगा या नहीं होगा, आपको रेज़ करना चाहिए या नहीं। तो जब तक तो एक मुनासिब सी लोग अप कर रहे होते हैं, तो मैं भी कॉल करती जाती हूँ। लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं अब काम ख़राब हो रहा है, वहाँ मैं छोड़ देती हूँ। तो अभी तो क्योंकि ये बहुत ही लो अप कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो फिर मैं भी कॉल करती रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने ज़्यादा चिप्स को किया, मुझे आइडिया था कि मैं ये जीत नहीं पाऊंगी, और वही हुआ। देखें, सामने वाले का स्ट्रेट है और वो जीत गया है। 6 7 8 9 10 स्ट्रेट नंबर्स थे उसके। नेक्स्ट हैंड में मुझे मिला है क्यू क्लब का और 4 डायमंड का। तो देखते हैं इस बार हमारी किस्मत क्या बताती है हमें, हम जीत पाएंगे या नहीं। और ये एक ऐसी गेम है कि बस आप ऐसे ही सुकून से खेल पाते हैं, बोर भी नहीं होते, और ये भी नहीं होता कि लोग चैट कर करके डिस्टर्ब कर रहे हो। सब अपनी अपनी गेम पे फोकस कर रहे होते हैं, तो इसमें मज़ा आता है। और देख लें, मेरे पास सेम कोई भी कार्ड्स थे ही नहीं, एक सिंगल पेयर भी नहीं था, हाई कार्ड्स भी नहीं थे, तो मैंने तो इसको कर दिया है फोल्ड, क्योंकि ये हैंड मुझे पता था मैं नहीं जीत पाऊँगी। और 2 प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, डेफिनेटली में से किसी एक के पास एक बेस्ट हैंड है, और इसीलिए वो लग देखा उसके पास के और जे दोनों थे, 2 पेयर्स के साथ वो ये हैंड जीत गया है। तो नेक्स्ट जो है, अब मैंने इमोजी भेजी है पैसों वाली के, उसको ढेर सारे पैसे मिल गए हैं। तो नेक्स्ट पे वाओ Q6 है और दोनों हार्ट्स के हैं। आई होप कि मेरा कोई फ्लश वाला सीन हो जाए। फ्लश का मतलब होता है एक जैसे 5 हार्ट्स वाले, या देखें आप ये फ्लश के लिए 4 एक जैसे हार्ट्स तो आ गए हैं, 4 सेम कलर सेम डिज़ाइंस, बट सामने 7 आ गया है 3 बार। तो डेफिनेटली जिसके पास ए या के है उसका फुल हाउस है, तो ये भी हम नहीं जीत पाएंगे। हार्ट एक और आया नहीं कि हमारा फ्लश हो पाता, देखा उसका फुल हाउस हो गया। ये वैसे एक बात है कि इन्होंने एक बीच में ना मिनी गेम्स डालना शुरू किए हैं, जिनको खेलने से आपको पता लग जाता है कि कौन सा हैंड विन कर सकता है। तो इस तरह आप ख़ुद भी ये असेसमेंट कर सकते हैं कि आपके पास जो नंबर्स हैं आप इनसे जीत पाएंगे या नहीं। और अब मेरे पास सिर्फ क्यू है, तो मैं थोड़ा बहुत तो रेज़ करूँगी। देखें क्यों 5 आ गया है, तो चले अब मुझे लग रहा है कि 2 पेयर्स के साथ मैं विन कर सकती हूँ। और यस, मैंने विन कर लिया है ये वाला हैंड फाइनली। एक हैंड तो विन किया है इसके बाद, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। 8 एंड 5 है मेरे पास, तो 8 एंड 5 में दोनों जो है ये एक्चुअली वो क्लब वाले नंबर हैं, जो कि उन्होंने हमें कार्ड्स कलेक्ट करने को कहा है। और ये दोनों कार्ड्स अभी मेरे कलेक्ट नहीं हुए, पर सामने कुछ ऐसा आया ही नहीं कि मैं रेज़ करके जीत पाती। तो इट्स ओके, चलता है, होता है, ये भी लाइफ का हिस्सा ही है। तो गेम काफ़ी स्लो चल रही है, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा फास्टम फास्ट चलाएँ ताकि आप लोग बोर ना हों। ओके जी, तो मैंने गेम को थोड़ा सा फास्ट कर लिया है ताकि आप लोग बोर भी ना हो, और ये जल्दी जल्दी से पता लगता जाए कि कौन सा हैंड मैं जीतने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे 3 हैंड्स जीतने हैं। यहाँ पर साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा वो चिप्स वाले सर्कल के नीचे एक बॉक्स आ रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि आपके पास 16 हैंड्स हैं और उसी के अंदर अंदर आपने ये वाला टास्क कम्प्लीट करना है। और इस तरह के टास्क के साथ आपके एक वो कह लो के बैंक है, जिसको आप ब्रेकआउट
कर सकते हैं जब आपको लगे कि अब इससे आगे आपको गेम कंटिन्यू नहीं करनी, तो वो मेरा क्लेम के लिए ओके हो गया, क्लेम मैंने कर दिया है। और वो कह रहे हैं ओके, यहाँ पे कॉल करके वापस जाते हैं और वो कह रहे हैं कि अभी भी गेम को ही प्ले करें। तो रिटर्न टू गेम होकर अब उन्होंने क्या हमें ऑप्शन दिया है? नहीं, अब वो कह रहे हैं कि खड़े हो जाएँ और मिनी गेम्स खेलें। तो चलें, ये वाला हैंड मेरा अच्छा जा रहा है, तो ये खेलने के बाद चलेंगे मिनी गेम्स खेलने के लिए। और चेक करें, वो रेज़ करता जा रहा था जबकि उसके पास नंबर्स ही नहीं थे। तो मैंने उसको बोला थैंक यू और मैं आगे निकलनी हूँ, अब मैं आ जाती हूँ। इसको देखते हैं, इस हैंड के बाद जाते हैं हम मिनी गेम्स खेलने के लिए। ये हैंड अगर देख लें, अब ये नंबर्स जो हैं वो मुझे नहीं दे रहे। वैसे जे 9 है, सामने 8 10 है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसे प्ले करना चाहिए। तो मैंने ओके दिस टाइम आई कॉल्ड और अब मैंने फोल्ड कर दिया। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ मिनी गेम्स पर और इसमें उन्होंने रूल्स बता दिए हैं, आपने बताना है कौन सा हैंड विन कर सकता है। तो चलें गेस करते जाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम भी सिर्फ 75-80 सेकंड्स दिए जाते हैं, तो आपके ऊपर टाइम ख़त्म होने का भी प्रेशर होता है। बट स्टिल मेरे दो हैंड्स बिल्कुल ठीक मैंने बताए, थर्ड वाला भी बिल्कुल ठीक है। ओके, अभी तक कोई गलती नहीं हुई, जबकि उन्होंने हमें चांसेस भी दिए हुए हैं, ऊपर हार्ट्स बने हुए हैं, पता लग रहा है कि इतने चांसेस हैं हमारे पास। बट स्टिल ये गेम अभी तक मैं क्लियर कट सही बता रही हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि गेम में काफ़ी फ़ायदा होता है इस गेम को खेलने का, मिनी गेम्स को, तो आपको आइडिया हो जाता है कौन सा हैंड विन करने वाला है, आपके नंबर्स जाएंगे इस हैंड के साथ या नहीं। तो ओके हो रहा है, अभी तक मेरे सारे आंसर्स ठीक है। वाओ, ये भी ठीक है, कम ऑन हरी आप, जल्दी जल्दी अगला, ये भी ठीक है, टाइम ख़त्म होने वाला है। ओ यस, मैंने इन टाइम इसको कम्प्लीट कर लिया है और चले काफ़ी 100+ मिलियंस जो हैं वो मेरी चिप्स जो हैं वो वहाँ बैंक में कलेक्ट होती जा रही हैं। अब मैं जब वापस आई हूँ तो इन्होंने मुझे टेबल पर जगह नहीं दी, न्यू टेबल पर जाकर देखते हैं कोई जगह मिलती है। तो ओके, हम पहुंच गए और यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि एक जे के साथ आपने हैंड जीतना है। तो ट्राई करते हैं अगर ये जे हमें जिता पाए तो। नहीं, मुझे लगता है कि ये जे मुझे नहीं जिता पाएगा, क्योंकि सामने देखें ना, नंबर्स मैच ही नहीं हो रहे हैं। तो नो, ओके, वो देखा उसका ए था, वो जीत गया है। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं कि अगर हमें जे जिता पाएगा। ओके, एक और जे दे दिया, वैसे उनको भी पता लग गया कि अब मुझे जे वाला हैंड जीतना है। तो मैंने भी फुल ऑल इन कर दिया है, और क्योंकि अगर सबने फोल्ड कर दिया तो ऑटोमेटिकली मैं जीत गई हूँ और वो हैंड भी मैं जीती हूँ। यस, तो जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं, क्लेम क्लेम क्लेम। और अभी तक मेरी वाओ बैंक में काफ़ी सारी चिप्स इकट्ठी हो गई हैं, रिटर्न टू गेम हो गए, हमने प्ले करना शुरू कर दिया ये हैंड। अब वो कह रहे हैं विन 3 हैंड्स। यहाँ पे मेरी एक जो है ये वॉच के लिए भी देखें मैं क्लेम करती जा रही हूँ, जस्ट 3 रह गए हैं वॉच के लिए रिंग्स। ओके, और टाइम भी काफ़ी होता जा रहा है, चेक कर लिया है मैंने। आई होप के आप लोगों को मेरी गेम प्ले वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, और जिंगा पोकर गेम एक अच्छी ऑनलाइन गेम है, मज़ा आता है इसे खेलने का। और आई होप के नेक्स्ट टाइम भी मैं कुछ मज़ेदार सी गेम लेकर आऊँ। तो गाइज अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय गाइज, बाय बाय।